बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर डियर बात करेंगे बीएड बनाम डीएलएड कोर्ट फैसले की, बात करेंगे 35,000 शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, साथ ही साथ बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं उसको लेकर के आज एक महत्वपूर्ण जो सुनवाई है होने जा रही है, क्या फैसला आएगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर पहली अपडेट आप देख सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में दिए गए डिसीजन के आदेश में जब उन्होंने कहा था एमपी क्लैरिफिकेशन को लेकर के, तो स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि 11 अगस्त 2023 के पहले की जितनी बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं अगर उनका मामला किसी भी कोर्ट में पेंडिंग नहीं है तो वो पूरी तरीके से सेफ हो चुके हैं। इसी क्रम में बात की जाए तो 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा टला, यह मामला है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से। यहाँ पर लिखा हुआ है सूबे के प्रतिदिन स्कूलों में कार्यरत तकरीबन 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा टल गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्री धारक इन शिक्षकों को राहत की सांस मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्ती पर इसका असर नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी ने वर्ष 2018 में अधिसूचना जारी कर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड को मान्य किया था। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में रिक्त सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती कराई गई थी जिसमें बड़ी संख्या में बीएड डिग्री धारकों ने भी आवेदन किया था। बहुत सटीक आंकड़ा तो नहीं है पर लगभग 35,000 बीएड डिग्री धारकों का चयन इस भर्ती में हुआ है जो प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत हैं। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही इनकी नींद उड़ी हुई थी क्योंकि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ की गई केंद्र सरकार और एनसीटी की अपील को खारिज करते हुए कहा था कि प्राथमिक शिक्षक यानी 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। इस कारण इन 35,000 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था जो सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश सरकार की अपील पर 11 अगस्त 2023 को दिए गए अपने स्पष्टीकरण फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसले से पहली हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती फैसले से पहले हुई थी लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि किसी भी राज्य की हाईकोर्ट में इसका मामला पेंडिंग ना हो भर्ती का। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो आज मध्य प्रदेश में बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले की एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है क्योंकि जबलपुर हाई कोर्ट में मामला सुना जाएगा। आप देख सकते हैं आपके सामने केस स्टेटस केस नंबर लिखा हुआ है 13768/2022। यहां पर आप देखेंगे तो जो इसकी सुनवाई अभी तक 15 अप्रैल को बताई जा रही थी वो केस तत्काल लिस्ट कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे ही स्पष्टीकरण आया उसके बाद तत्काल जबलपुर हाई कोर्ट पे अपडेट दी और यहां पर आप देख सकते हैं यानी कि आज ही इस केस की सुनवाई होगी 10 अप्रैल 2024 को। ऑनरेबल श्री जस्टिस अमरनाथ के सरवानी सीरियल नंबर 58 आप यहां पर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो केस है वो लिस्ट कर दिया गया है और उम्मीद है कि दोपहर में 11 बजे के आसपास इस केस को टेकअप कर लिया जाएगा। अब यहां पर भी 11 अगस्त 2023 के पहले भर्ती हुई है लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था अभी क्लैरिफिकेशन का तो उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पर कही है कि किसी भी भर्ती का जो 11 अगस्त 2023 के पहले की भर्ती हो चुकी है उनमें से किसी भी भर्ती का ऐसी भर्ती का मामला माननीय कोर्ट में जिसका नहीं है वो पूरी तरीके से बीएड के कैंडिडेट सेफ हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की भर्ती ऑलरेडी आउटकम थी डियर, तो इसका जो निस्तारण है वो जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा ही अंतिम रूप से किया जाएगा। अगर जबलपुर हाई कोर्ट यहां से बीएड चयनितों के पक्ष में डिसीजन देती है तो राहत की सांस यहां पर भी कैंडिडेट ले पाएंगे बीएड के। लेकिन अगर जबलपुर हाई कोर्ट जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट ने बीएड को बाहर करने का आदेश दिया है, जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट ने बिहार में 22,000 बीएड कैंडिडेटों को बाहर करने का आदेश दिया है, अगर उसी क्रम में मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट बीएड को इनवैलिडेट करार देती है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भले ही बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं 11 अगस्त 2023 के पहले उनको हटना पड़ जाएगा क्योंकि जहां पर भी जिस भी राज्य में भर्ती आउटकम है वहां का जो डिसीजन है उस राज्य की हाईकोर्ट के मध्य छोड़ दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, जैसी इसकी सुनवाई होगी इसका जो भी डिसीजन आएगा माननीय कोर्ट के द्वारा हम आपको तुरंत जुड़ करके आपकी जो अपडेट है वो लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। लेकिन 11 से 12 बजे के बीच में आज दोपहर में मध्य प्रदेश में डीएलएड वर्सेस बीएड का जो मामला है वो कहीं ना कहीं टेकअप होने के जो चांसेस हैं पूरी तरीके से प्रबल हो चुके हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।